हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपनी वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। आज कंटेंट वगैरह मेरा रेडी है, सब रेडी है। मेरी बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं इसलिए अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, नहीं बना पा रही थी। मेरी आवाज बहुत खराब हो रही थी। मैंने अभी दो तीन वीडियो में ट्राई कर चुकी हूँ, मेरी आवाज बहुत खराब आ रही थी। तो मैं इसलिए मैंने फिर न्यू वीडियो बनाई है ये वाली, बाकी वो डिलीट करके न्यू वीडियो बनाई है मैंने ये वाली। तो चलिए आप बने रहिए। आज का जो टॉपिक है आपको पता चल चुका होगा, डार्क सर्कल्स के ऊपर है। तो हम लोग बात कर लेते हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। ये क्यों होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस होकर ये डार्क सर्कल्स प्रोड्यूस होते हैं स्किन पर। तो हम इस पे बात कर लेते हैं, और फिर हम सेकंड बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए। थर्ड हम बात करेंगे कि मास्क किसका कैसे बना सकते हैं, कैसे आप लगा सकते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखना और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, Nirupama010 मेरा इंस्टा अकाउंट है। पहले तो हम इंटरनली बात कर लेते हैं। दो फैक्टर हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। और पहले इंटरनली हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होगी तो डार्क सर्कल प्रोड्यूस होंगे, ओके। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई बीच में बाधा बन रहा है, बन रही है, तो डार्क सर्कल प्रोड्यूस होंगे। तो ये इंटरनली फैक्टर्स हैं। हम एक्सटर्नली बात कर लेते हैं। एक्सटर्नली में है कि अगर आप आईज बहुत रब करते हैं, बहुत रगड़ते हैं, तो ये डार्क सर्कल प्रोड्यूस होंगे। 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो डार्क सर्कल प्रोड्यूस होगा। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सनस्क्रीन का। तो आप सनस्क्रीन जरूर से जरूर लगाइए, बच सकते हैं, ठीक है। पहला तो यह है कि विटामिन सी का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ विटामिन सी सीरम है वो लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का यूज कर सकते हैं। अपने आईज के आसपास हमेशा मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए, एकदम उसको सूखने नहीं देना है जरा भी। उसमें आसपास मॉइस्चर होना ही चाहिए। कोई भी क्रीम लगा लीजिए, या फिर आप मैं एक मास्क बताऊंगी वो मास्क लगा लीजिए, ठीक है। एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, एलोवेरा जो मिलता है मार्केट में वो भी लगा सकते हैं। आप प्लांट से भी ले सकते हैं, नेचुरल एलोवेरा भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप एक और चीज कर सकते हैं, आप दूध लगा सकते हैं। वो दूध कच्चा हो या उबला हुआ हो, दूध का रेगुलर प्रयोग आप कर सकते हैं। और एक और भी चीज है, मैंने एक मास्क बनाया है। मैंने मास्क अपनी भाभी के ऊपर यूज करा है, उनके डार्क सर्कल्स हैं, मैंने उनके ऊपर यूज करा है। तो आप खुद से देखेंगे उनका फेस कितना चेंज हुआ, डार्क सर्कल कितना रिड्यूस हुआ। उन्होंने 3 दिन लगाया है, 10-10 मिनट लगाकर छोड़ा है। तो ये 10 मिनट बहुत प्लस पॉइंट होने वाले हैं आपकी लाइफ के लिए। एकदम से जो नेचुरल जो चीजें हैं वो क्रिएट होंगी स्किन पर, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दही लिया है। मेरा गला बहुत खराब है फिलहाल, इसलिए आपको मेरी ऐसी आवाज सुनने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने ये दही लिया है। तो ये मैंने दही में, यहाँ पे कटोरी में या किसी कंटेनर में आप मिक्स कर लीजिएगा। और हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा। ये देखिए दही, ठीक, दही। और ये टर्मरिक है, टर्मरिक की क्वांटिटी आप देख लीजिए। टर्मरिक की पिंच ऑफ नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। ये मिक्स कर लीजिएगा। और नींबू, नींबू की क्वांटिटी ओके। ये मैंने पहले 2 ड्रॉप डाला है, फिर ये 3rd ड्रॉप भी डाल दिया है, ये 4th ड्रॉप डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। लैक्टिक एसिड स्किन की जो हमारी गंदगी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही साथ ये स्किन को मॉइस्चराइजेशन भी पहुंचाता है। डार्क सर्कल जहाँ पर होते हैं वो स्किन शुष्क हो जाती है, तो वहाँ पर मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लैक्टिक एसिड दही का प्रयोग कर सकते हैं।
टर्मरिक को तो आप भली भांति जानते ही हैं कि वो स्किन को ब्राइट करता है, सब कुछ आप जानते ही हैं टर्मरिक का तो। और बाकी बचा हमारा नींबू, जिसमें विटामिन सी होता है और वो भी इसमें स्किन ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो नींबू बहुत ज़रूरी है। तो ये डे सेकंड स्टार्ट हो चुका है भाभी का, और इन्होंने पहले मसाज करा है, फिर इन्होंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है हल्के हाथ से मसाज करना, या मैंने स्पीड बढ़ाई है। तो ये डे थर्ड है भाभी का, इन्होंने फिर से वही करा है सेम प्रोसेस। और फिर इनके डार्क सर्कल देखिएगा, अभी वॉश करके दिखाएंगी तो आप ठीक से देखिएगा कितना चेंज आया है कितना नहीं चेंज आया है। वीडियो बैक टू बैक आएगी तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, और जो भी जो प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे इंस्टा पर बताइए, मैं उसके लिए पूरी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो झाइयों के ऊपर आएगी, तो बने रहिए मेरे साथ। बाय।